अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कड़ी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मटन ले लिया है, कुकर में मैं इसे चढ़ा रही हूँ ताकि अच्छे से गल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और एक हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। और ये सब डालने के बाद हम इसे गलने के लिए रख देंगे जब तक हमारा मटन और टमाटर अच्छे से गल जाएं। कुकर को मैंने लगा दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, मैं इसे गलने के लिए रख देती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा मटन गल चुका है, टमाटर वगैरह भी। इसके अब मैं यहाँ से छिलके रिमूव कर रही हूँ टमाटरों के। यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की अनियन भी डाल दी थी बीच में, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी पसंद की जाती है तो इसलिए थोड़ा सा अनियन डालना ज़रूरी है, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी बन जाती है अच्छी सी। तो मटन यहाँ पर मेरा मज़े से गल चुका है, देखें कितना अच्छा गला है नाइसली। अच्छा लगता है अगर मीट मटन या बीफ जो होता है वो अच्छा सा गला हुआ हो। सक बोटियाँ तो खाई नहीं जाती। खैर जी, अब एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया, मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जी यहाँ मेरा लहसुन अदरक चीखे मारना शुरू हो चुका है, मैं मज़ीद इसे 2-3 मिनट तक और अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जितनी भी हमारी जो ये कुकर में मैंने गला के रखा था मटन, वो सारा इसमें डाल देंगे। सालन की बुनाई अच्छी होनी चाहिए तो ही सालन बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। अगर हम ऐसे ही हल्का सा ही इसको भून के रख देंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो कोई भी सालन हो उसकी बुनाई मस्ट है। तो अब हम यहाँ पर सारे स्पाइसेस डालना शुरू कर देते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक मिर्च 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का लिया है। 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसे मज़ीद और 5 मिनट तक भून लूँगी। बुनाई मेरी तकरीबन हो गई है। अब मैंने इसके अंदर सूखी मेथी थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल दी है और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था। और उसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी फेंटा हुआ 1/2 कप। ये मेरा 1/2 कप दही है फेंटा हुआ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मज़ीद इसको बस मैं 10 मिनट तक और भूनूंगी और फिर ये तैयार है।
तो जी मटन कढ़ी मेरी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसमें लास्ट के अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी। ग्रीन चिलीज़ को मैंने बीच में से कट लगा के डाल दिया है और कुछ मैंने काट के डाल दी हैं और ये अच्छी लगती हैं जायके के अंदर। और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव भी डाल दिए थे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है, आप चाहें तो नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh